स्वागत है आपका अभी क्लास स्टाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार है, यानी कि बस्तियों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो बस्तियों के वर्गीकरण के प्रमुख रूप से बस्तियों की जनसंख्या के आकार, तो जनसंख्या के आकार के आधार पर हम लोग बस्तियों को बांट सकते हैं। अगर किसी जनसंख्या में 10 लाख जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है, 10 लाख जनसंख्या है, या फिर कोई हो सकता है कि 10 लाख से पार हो जाए, कोई एक ऐसा हो सकता है जो 1 करोड़ से पार हो सकता है। तो इस प्रकार से जनसंख्या अलग अलग हो सकती है, जनसंख्या के आकार के आधार पर हम उसको बांट सकते हैं। फिर बस्तियों के निवासियों, यानी वहां किस प्रकार के निवासी रहते हैं और वहां पर वो निवासी किस प्रकार के कार्य करते हैं। अब अगर हम मान लेते हैं कि प्राथमिक क्रिया का कार्य करते हैं तो उसे हम ग्रामीण बस्ती कहेंगे, और अगर प्राथमिक क्रिया के अलावा द्वितीयक क्रिया या तृतीयक क्रिया करते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, नगरीय बस्तियों के रूप में परिभाषित करेंगे। इस आधार पर हम जो है बस्तियों का वर्गीकरण कर सकते हैं।